नमस्कार दोस्तों, द वी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे रारा सोया चाप। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो सोया चाप, 50 ग्राम सोया कीमा, धनिया पाउडर 2 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, रेड चिल्ली पाउडर 2 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार 1 चम्मच, चिकन मसाला पाउडर, कुटी हुई काली मिर्च आधा चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच, जीरा 1 चम्मच, 4 साबुत लौंग, 1 बड़ी दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 दाने हरी इलायची, 2 तेज पत्ता, 2 प्याज बारीक कटे हुए, 3 टमाटर बारीक कटे हुए, 4 से 5 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, 2 चम्मच बारीक कटी हुई हरी धनिया, दही 3 बड़े चम्मच, रिफाइंड ऑयल फ्राई के लिए, मस्टर्ड ऑयल 120 ml। एक बर्तन में मैंने रिफाइंड ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें हम अपनी सोयाबीन चाप फ्राई करेंगे। नाइस गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है हमारी सोया चाप में। अब हम इसे निकाल लेंगे और बाकी बची हुई सभी सोया चाप को हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। एक बर्तन लेंगे, इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल, ऑयल गरम हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे तेज पत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी, हरी इलायची, साबुत लौंग, अब डालेंगे जीरा, ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, इसे पकाएंगे हम गोल्डन ब्राउन होने तक। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, ऐड करेंगे चॉप जिंजर, चॉप गार्लिक, अब ऐड करेंगे इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर, अच्छे से पकाएंगे। अब ऐड करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा चलाएंगे इसे। अब ऐड करेंगे हमारे मसाले, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, टर्मरिक पाउडर, चिकन मसाला, और इसमें हल्का सा चलाएंगे।
अब ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, अब डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, अब इसे हम भूनेंगे। लगभग हमारे टमाटर गल चुके हैं, अब ऐड करेंगे सोया कीमा, मिक्स करेंगे अच्छे से, थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसे भूनेंगे। थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे, अब हम इसे कवर कर देंगे, 5 से 10 मिनट पकने देंगे। चेक करते हैं, हमारा मसाला भून चुका है। ऐड करेंगे दही, मिक्स करेंगे, 5 मिनट और पकाएंगे, उसके बाद ऐड करेंगे सोया चाप। मसाला रेडी है, ऐड करते हैं सोया चाप, मिक्स करेंगे, कवर करेंगे, 2 से 3 मिनट और पकने देंगे। चेक करते हैं, रेडी है हमारी ग्रेवी। ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर, हरा धनिया, मिक्स करेंगे। रारा सोया चाप पक के रेडी है, अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और गार्निश करेंगे। रारा सोया चाप रेडी है, गार्निश किया है इसको मैंने कोरिएंडर लीफ से, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, जिसको रेसिपी देखनी होगी वो वहां से देख लेगा। आगे भी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लाता रहूंगा, देखते रहिए द वी किचन।